सनी देओल के लाइफ की सबसे विवादित फिल्म मोहल्ला 80 बनने के बाद भी रिलीज नहीं हो पाई। ये फिल्म लेखक काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी का 80 पर बनी थी। ये रिलीज से पहले ही सोशल साइटों पर आ गई, लेकिन अब खबर है कि सनी देओल की फिल्म मोहल्ला 80 को हरी झंडी मिल गई है। सनी देओल की मोहल्ला 80 पिछले साल लीक हो गई थी और वो भी पूरी की पूरी ओरिजिनल कॉपी थी। पहले इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर काफी हो हल्ला मचा। सनी देओल और साक्षी तंवर समेत सभी कलाकार गालियां देते नजर आए, लेकिन सबसे विवादित मुद्दा भगवान शिव को भी गाली देते दिखाना था। मगर ट्रेलर लीक होने के बाद तो पूरी की पूरी फिल्म ही डिजिटल प्लेटफॉर्म में लीक होकर बाजार में पहुंच गई। कोर्ट्स ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की वजह से मोहल्ला 80 की रिलीज पर रोक लगा दी थी। हालांकि अब हरी झंडी मिल गई है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।